बैठमा में चल रही शिव महापुराण कथा में पहली बार व्यासपीठ से चारों धर्म के अनुयायियों का सम्मान किया गया, जिसको देख लाखों लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। मैं इस समय बैठमा में मौजूद हूं और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। बैठमा में अभी इस समय शिव महापुराण कथा का दौर चल रहा है, जिसमें सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ का रेला आपको दिख रहा है। ये सागर रोड है, जिस रोड पर आपको अभी इस समय भीड़ का रेला दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ से, जिस तरफ कथा का पांडाल बना हुआ है इस तरफ से भी भीड़ बहुत कुछ संख्या में आए हुए हैं, लाखों की संख्या में आप आज लोग आए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देपालपुर रोड की साइड है, जिस तरह से कथा का दूसरा जो द्वार है वो है, वहाँ से भी पब्लिक आ रही है। मतलब चारों दिशाओं से इस पब्लिक की भीड़ आज देखने को मिल रही है। जो आज रविवार का दिन था उसकी वजह से यहाँ पर आज भारी भीड़ देखने को मिल रही है और हो सकता है कि कल ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है। तो आप देख सकते हैं सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी का क्रेज कितना है, उनकी कथाओं का दौर, उनकी जो उपाय हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को, उनकी जो आस्था को जो मजबूत करते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक चारों दिशाओं में आपको दिखाई दे रही है। शिव महापुराण में बताया कि तुलसी के अर्क के बिना भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे ही बिना रुद्राक्ष धारण किए महादेव सेवा को स्वीकार नहीं करते। वहीं कथा के दौरान सागर रोड से निकलने वाले लोगों को आवास कॉलोनी के माँ कालिका मित्र मंडल द्वारा स्वर्गीय जितेंद्र वर्मा की स्मृति में भक्तों को निःशुल्क चाय का वितरण किया गया। उक्त उद्गार पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा के दौरान पांचवें दिन कहा है। वहीं कथा के छठे दिन पंडित मिश्रा जी ने कहा कि ज्ञानी को समझाया जा सकता, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि वह अपने अभिमान में ही जीता है। बैठमा नगर में इन दिनों विधायक विशाल पटेल के द्वारा विश्व विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है, जहाँ कथा के छठे दिन रविवार होने की वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव महापुराण कथा श्रवण करने पहुंचे। वहीं कथा में श्रोताओं के साथ विधायक और उनकी धर्म पत्नी भी भजनों पर जमकर झूमे। व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा ने समाज को एक होकर धर्म के प्रति सजग होने का संदेश दिया। उन्होंने दूसरे के धन संपदा वैभव देखकर जलना या ईर्ष्या मन में ना रखने की बात कही। उन्होंने कथा में कहा कि जो भी मांगना है परमेश्वर से मांगो, वह सब कुछ देगा। कथा कार्यक्रम के चलते नगर का माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है, तो वहीं कथा में पूरा पांडाल फुल हो गया। इतना ही नहीं, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ शिव भक्तों की कतार देखी गई। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बैठमा में शिव महापुराण कथा में दर्शकों का, भक्तों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, आप देख सकते हैं। SW24 न्यूज के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।
देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।